हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन यूजिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करके बताया था, और उससे पहले मैंने रैपिड चेक भी कराया था आपको। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल इंटू फ्रैक्शंस की। अगर डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने हैं तो कैसे करना है। टू चेंज द डेसिमल इंटू फ्रैक्शंस, राइट द गिवन नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि अगर किसी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर है उसको बिना किसी डेसिमल पॉइंट के न्यूमरेटर में लिख दीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर किसी ने 5.85 आपको दिया और इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में बदलो, तो आपका काम है सबसे पहले 585 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का स्टेप्स है कि आप यहाँ पे डिवाइड का साइन देंगे, बटे का साइन देंगे, है ना। ये न्यूमरेटर हो गया हमारा, ठीक है, दिस इज द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है हमारा वन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पॉइंट था डेसिमल पॉइंट वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, दो डिजिट हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो जीरो लगा देना है। इस तरीके से आपका जो डेसिमल्स है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट वन फॉलोड बाय एज मेनी जीरो ऑफ द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ गिवन, और उसके बाद आप डेसिमल्स को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 0.16 को देखिए, ये 0.16 को क्या लिखा गया, 16/100 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16 एंड 425 जा 100, तो हमारा देखो ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। 3.28 को देखो कैसे कन्वर्ट किया गया, 3.28 में 328 को एज ए न्यूमरेटर लिखा गया, पॉइंट को वन में कन्वर्ट किया गया और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो दो जीरो यहां पे लगा दिया गया, और फिर इसको 4 से डिवाइड किया गया 82 टाइम्स एंड 25 टाइम्स, तो ये हमारा लोएस्ट टर्म है, और फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। 4.375, देखिए 4375 को पहले लिख दिया गया न्यूमरेटर में, डिवाइड करके पॉइंट को वन में कन्वर्ट किया गया, कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, तीन, तो तीन जीरो यहां पे लगा दिया गया और फिर इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहां पे आप इसे डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद आपके पास 325.09 है, तो इसको देखो यहाँ पे 325.09 को क्या किया गया, 32,509 डिवाइडेड बाय पॉइंट को वन में कन्वर्ट कर दिया गया और दो जीरो लगा दिया गया। तो काफी इजी स्टेप्स है किसी भी डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर किसी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये भी आसान है। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 के फॉर्म में है तब तो इट्स अ वेरी इजी लाइक दिस के मैंने बताया कि 5/10 है, तो हमें क्या करना है, 5 को लिखना है, 10 यहाँ पे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट डालना है और इस पॉइंट के पहले हमें एक जीरो भी लगा देना है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर आफ्टर एज मेनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट एज देन देर आर जीरो, जितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में उतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट को प्लेस कर देना। इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, तो ऐसे केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज आपको लेफ्ट साइड से क्या करना है, ऐड करना है उसको इक्वल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां पे 5/1000 लिख दिया, अब 5/1000 लिखने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पे टोटल तीन जीरो है, तो हमें तीन डिजिट चाहिए, तो तीन डिजिट तो हमें दिख नहीं रहे, सिर्फ एक ही डिजिट दिख रहा है, तो हमने क्या किया, दो जीरो इसमें अटैच किया और अटैच करने के बाद एक पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पहले जीरो इसलिए लगा दिया जाता है सो दैट कि ये पॉइंट विजिबल हो, प्रॉपर तरीके से आप इसे देख सके। आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं माना जाएगा, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अब 9/100 को देखो, पॉइंट में डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था तो 9 सिंगल डिजिट है, तो क्या किया, और नंबर ऑफ जीरोज यहां पे 2 है, तो दो डिजिट के बाद आप देख सकते हो यहां पे पॉइंट को डाल दिया गया। 23/10 के में देखा जाए यहां पे एक ही जीरो है, तो क्या किया गया, एक डिजिट तीन के बाद यहां पे पॉइंट को, हमेशा ध्यान रखना है राइट से लेफ्ट की ओर आपको डिजिट को काउंट करना है। 7893/1000 में देयर आर थ्री जीरो, तीन जीरो हैं, तो आप राइट से देखिए 1, 2, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया गया। तो इस तरीके से आप इसको, अब 193/10000 है तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरो 4 है बट नंबर ऑफ डिजिट 3 दिया गया, तो एक जीरो को लगा के फिर पॉइंट लगाया गया, पॉइंट के पहले एक जीरो लगा दिया गया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए नॉट अ रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 100 हो, मान लीजिए ऐसा हो कि रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 100 नहीं हो, तो ऐसे केस में हम कोशिश कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शंस दिया गया है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर का टारगेट आपको रखना है 10, 100 एंड
थाउजेंड या 10,000 मतलब 10 के रिपीटेड प्रोडक्ट्स में इसको रखना है। उसके बाद फिर फर्दर क्या करोगे, काउंट द नंबर ऑफ जीरो इन डिनोमिनेटर आफ्टर वन, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर आफ्टर एज एंड डिजिट, जो अभी हमने यहाँ पे स्टेप सीखा है। क्योंकि एक बार आपने जीरो लगा दिया, उसको डिनोमिनेटर को जीरो में कन्वर्ट कर दिया, मान लीजिए हमने 2/5 दे दिया, अब 2/5 को हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालूंगा और इसके लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं 20 से नहीं करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है, तो क्या हो जाएगा ये 4/10 हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा 0.4 हो गया। अगर मान लीजिए किसी ने 5/20 दे दिया, तो 25 × 100 होता है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही 5 से मल्टीप्लाई करके एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा निकलेगा 25/100 और फिर ये हमारा 0.25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास दो सिचुएशंस है, एक जब हमारा डिनोमिनेटर रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 के फॉर्म में दिया हुआ होता है और एक हमारा नहीं दिया होता है। तो नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जहां डिनोमिनेटर हमारा 10,000, 10, 100 और 1,000 के मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि 10 के रिपीटेड प्रोडक्ट्स में होते हैं। जैसे कि 8/25 है, तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। यहाँ पे 9/50 है, तो 50 × 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 18/100 तो देखो 0.18 हो गया। 6/125 है, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाता है, ठीक है। तो 8 × 6 = 48 और आप देखो यहां पे 0.048 आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहां पे फ्रैक्शंस तो दिया होता है बट हम उस फ्रैक्शंस को रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, हमें डिवीजन मेथड को यूज करना होता है। किस मेथड को यूज करते हैं, हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये आपका यूनिवर्सल मेथड है, तो इस मेथड का जानना निहायत जरूरी है आपके लिए, आपको ये मेथड बिल्कुल ही आना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉपर क्वेश्चंस को आगे जाकर सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमेशा ये संभव नहीं है कि हमें ऐसा डिनोमिनेटर दिया जाए जिसको कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ 10 में कन्वर्ट कर पाए, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वाले प्रोसेस को ध्यान कीजिए, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड फाइंड द रिमाइंडर, देन प्लेस अ डेसिमल पॉइंट इज द डिविडेंड एज वेल एज इन द क्वोशेंट, एज मेनी जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज नीडेड, कंटिन्यू डिविजन अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो। मिक्स फ्रैक्शन इज टू बी कन्वर्टेड, अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल पार्ट से यूजिंग द प्रोसीजर जो ये प्रोसेस बताया इसके हिसाब से कन्वर्ट करके, और फिर आपको उसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करके निकालना है। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूं, जैसे कि यहाँ पे 34/8 दिया हुआ है। अब ये 34/8 आपको दिया हुआ है और इसको आपको क्या करना है, इसका डेसिमल्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 34 को 8 से डिवाइड करेंगे। प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, 8 × 4 = हमारा क्या आएगा, 32 आएगा, माइनस किया 4 − 2 हमारा 2 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया। अब ये 2 डिविजिबल नहीं है 8 से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिविडेंड के अंदर में एक पॉइंट लगाएंगे और हमें एक पॉइंट क्वेश्चेंट में भी लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है तो हम एक जीरो यहाँ पे डाल सकते हैं और उस जीरो को हम यहाँ पे कैरी कर देंगे, तो 8 × 2 = क्या हो जाएगा हमारा 16, 20 में से 16 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। अब क्योंकि आपने पॉइंट दे रखा है तो आप एक जीरो और डाल सकते हो डिविडेंड में, और इस वाले जीरो को मैं उठा के यहां ले जाऊंगा और ये हमारा 8 × 5 = क्या हो जाएगा 40 क्रॉस हो गया, तो फाइनली आंसर क्या निकला 4.25। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए मिक्स फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शंस को हम इस मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में, या आप इसमें से एक काम और भी कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका है, दो तरीके से हम इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे 12 whole 6/25 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 25 × 10 = 250 होता है, ये 300, यानी कि 306/25 आ जाएगा। अब हम 306 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 × 1 = 25 आ गया, यहाँ पे 5 बचेगा, 25 × 2 = 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बचेगा, अब 6 डिवाइड नहीं होगा इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ भी लगाएंगे, 0 दूंगा और 0 को यहाँ कैरी कर दूंगा, तो 25 × 2 = 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 10 रिमाइंडर बचा, मैंने एक 0 और डाला, यहाँ पे भी 0 डाला
और 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा फाइनली। तो क्या आंसर आया? 12.24। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 6 अपॉन 25 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को अगर 25 से डिवाइड किया जाएगा तो 6 डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने यहां पे एक पॉइंट डाला, एक पॉइंट यहां भी डाला, पॉइंट के पहले जीरो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने पॉइंट दे दिया है तो आपको एक जीरो रखने की मौका मिल जाएगा। डिविडेंड में आप एक जीरो ऐड कर सकते हैं। अब 25 टू जा क्या होता है हमारा 50 होता है, यहां पर रिमाइंडर 10 आएगा। फिर से मैं एक जीरो लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक जीरो आप लगा सकते हो एनी टाइम। फिर 25 4 जा 100 हो जाएगा, ये कट गया, तो आपको क्या मिला, ये 0.624 मिला। और अब आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस है वो 12 में दिया हुआ है, 12 पॉइंट कहां है फ्रैक्शन, 12 होल 6 अपॉन 25। तो आपने क्या किया कि 6 अपॉन 25 को तो कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है 12 प्लस 0.24 करना है, और फाइनली कन्वर्ट करेंगे तो 12.24 ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया है कि डिवाइड प्रोसेस यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, तो इस वाले मेथड को याद रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इसको आप नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि दिए गए नंबर्स को या इंफॉर्मेशन को, डेटा को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब वहां पे क्या है, जो इंफॉर्मेशन होगा वो रुपीज के फॉर्म में हो सकता है, क्वांटिटी के फॉर्म में, केजी के फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में, किलोमीटर, लीटर, मीटर, इस फॉर्म में आपके पास हो सकता है, और उसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। उसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, जो भी स्मॉलेस्ट, जैसे रुपीज 65 एंड 90 पैसा दिया हुआ है, तो 90 पैसा हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो हम 90 को क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। पहले 65 ऑलरेडी रुपीज में है, 90 को भी रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, और 90 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 65 प्लस 0.90 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 65.90 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे केजी और ग्राम का देखें तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहां भी हम क्या करेंगे 133 प्लस 87 अपॉन 1000 करेंगे। इनको जब 87 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.087 आ जाएगा, 123 से ऐड करोगे तो 123.087 आ जाएगा, ये केजी मेजरमेंट आपका हो जाएगा। किलोमीटर मीटर की बात करें तो यहां भी 1000 की बात आएगी, तो 7 प्लस 4 अपॉन 1000, और 4 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.004 हो जाएगा, और 7 के साथ ऐड करेंगे तो 7.004 किलोमीटर हमारा ये हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि हम कैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे किसी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन हमें रुपीज और पैसे के फॉर्म में दिया हो, केजी के फॉर्म में दिया हो, तो हम उसे डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रैपिड चेक के बारे में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।